हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिटनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। फिर से एक नई वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, और आज का वीडियो जिम में सूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वर्कआउट करके चला आया था। पहले से बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं वर्कआउट के एंड एक्सरसाइज के, जो भी रहता है डेली रूटीन के। आज हम अपने टेबल पे बैठे हुए हैं। आज का वीडियो हम डाइट पे बनाने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मैं लेके आया हूँ जिनको आप कम टाइम में अच्छे से तैयार कर सकते हैं और मस्कुलर एकदम बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। फिलहाल एक्सरसाइज हो गया है, अब बात करते हैं दूसरी चीज़, डाइट की। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सस्ती डाइट, बहुत ही नेचुरल डाइट बताने वाला हूँ। इसको आप जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर सकते हैं, कम टाइम में तैयार हो जाती है, और इसको साथ में भी ले जा सकते हैं एज ए लंच बॉक्स में पैक करके। तो फटाफट इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगा। रेसिपी क्या है आप खुद ही समझ जाओगे, लेकिन है बहुत सॉलिड। कार्ब्स, प्रोटीन, एनर्जी और फैट ज़्यादा नहीं है, मतलब सारी चीज़ें इसमें हैं। कम पैसे में, हल्का बजट है। तो फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ। अरे यार, फोन आ रहा है। तो वो जो डाइट है वो ये रही। पीनट बटर कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड और केले। आसानी से आपके शहर, आपके गांव, आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसी के साथ तैयार करेंगे एक मील। और इसी बीच जो फोन आ गया था, मैं उसके बारे में आपको दिखाऊं। ओपन तो मैंने वहीं कर लिया था पार्सल। मैंने कुछ मंगाया है और बहुत ही सॉलिड ये चीज़ें हैं मेरे लिए, और हर किसी को करनी चाहिए। इसको रबड़ को रखते हैं, जैसे पीछे आप देख सकते हैं मेरे बुक्स लगी हुई हैं। सिर्फ एक बुक मुझे बहुत पसंद थी, ध्यान तथा इसकी पद्धतियाँ, स्वामी विवेकानंद की, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ में मैंने भक्ति योग, स्वामी विवेकानंद का ये कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, इसके चक्कर में चार बुक मंगानी पड़ी। मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। इस बुक बहुत पतली सी बुक है, इसको मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। ऐसे ही 40-50 रुपये में मिल जाएगी। ऑनलाइन तो कुछ ज़्यादा शो हो रही है, कहीं स्टेशन से आप ले सकते हैं। बहुत पतली बुक है, इसको पढ़ना, श्योरली कहता हूँ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। फिलहाल डाइट को आपको दिखाते हैं कैसे तैयार कर रहे हैं। गाइस, पता नहीं मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, ये रहा अपना किचन। तो सबसे पहले इसको हम फ्राई कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, और देसी घी में जो भी ब्रेड हमें लेने हैं। तो फिलहाल अभी हम चार ब्रेडों का यूज़ करेंगे, और बहुत ही अच्छी ये डाइट है जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। वैसे हम जल्दी गैस को ऑन कर लेते हैं, हल्का इसको गर्म होने के रख देते हैं, अपना देसी घी निकाल लेते हैं, हल्का इसको रोस्ट करेंगे। फिलहाल फास्ट कर लेते हैं गैस, ताकि जल्दी हो जाए। मैं आपको पास से दिखाऊं, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो। ये अभी हम जो है थोड़ा देसी घी लगा लेते हैं, ताकि ब्रेड वगैरह इस पर चिपके ना। फिलहाल मैंने ऐसा ही कर दिया तो चिपक गया। हल्की हल्की गैस पे इसको सेंक लेते हैं, हल्के हल्के से जल जाएं। तो फटाफट इनको सेंक लेते हैं। तो अपने ब्रेड तो हो गए हैं फ्राई, भाई इसको पैक करते हैं फटाफट। ये अपने फ्राई वाले ब्रेड ले लेते हैं। फ्राई के बाद अब हमारी आगे की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए दो चाकू की ज़रूरत है। क्या क्या करेंगे अभी बताते हैं। केले देख रहे हो कितना महंगे हो गए हैं, तो पहले इनको छील लेते हैं आराम से। और छीलने के बाद ये एक प्लेट हमने और ले ली है, और इसका छोटा छोटा सा पीस हम काट लेते हैं, ठीक है ना। ये काट के कर लिया है रेडी। अब बारी आती है पीनट बटर की। तो ये हमारा सैंड रॉक का है, और ये क्रंचीज वाला है, आप देख सकते हैं, क्रीमी वाला नहीं। अब क्या करना है हमें, इसको इस पे रख दो। सबसे पहले इस वाले चाकू की सहायता से, किसी से भी निकाल लो, चाहे चम्मच से निकाल लो, ये पीनट बटर ब्रेड पे हमें लगाना है, जिनको हम अभी फ्राई करके लेके आए, देसी घी के साथ में रोस्ट किया है। और ये ठीक है ना, ये इस तरीके से हो गया रेडी। अब एक एक पीस को ऐसे उठा के इस पे रखना है, एक एक पीस को उठा के इस पे रखना है। ये देखिए आप, ये हमारी बहुत ही जबरदस्त वाली डाइट है। अगर आप ऑफिस ऑफिस का काम कर रहे हैं और आप लंच वंच नहीं ले जा पाते हैं, तो इसको कम टाइम में और स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ये हमारा हो गया रेडी। अगर आपके पास सैलेड है, जैसे लाया तो हूँ मैंने खीरे वगैरह, इसमें ऐड कर सकते हैं, एक खीरा पतला पतला काट के, तो आपको और ज़्यादा अच्छा फील होगा। फिलहाल अभी हमने नहीं किया, वो किसी और डाइट में दिखाएंगे। तो ये अपना कम टाइम में रेडी होगी, कोई प्रोसेस नहीं है, बस
तीन चीज़ों की ज़रूरत है, रोस्ट करना है, हल्का सा रेडी है। अभी मैं खा के देखता हूँ। मज़ा आ गया भाई, अमेजिंग। दोस्तों डाइट बताई मैंने, बना के खा के भी दिखाई और मैंने खा भी ली। ये कम टाइम में आप तैयार कर सकते हैं, कोई इसमें सप्लीमेंट ऐड नहीं हुआ, कोई बाहर की चीज़ ऐसी नहीं जो आपकी बॉडी को साइड इफ़ेक्ट करे। तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं। ये मिथ है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, या फिर जो स्टूडेंट है उनके लिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं सस्ती सस्ती चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप अफोर्ड कर सकें। बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फिट रहें, वर्कआउट करते रहें और ऐसी नेचुरल देसी डाइट लेते रहें। पीनट बटर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, अराउंड 250-300 के समथिंग ये आ ही जाता है। केले और ये ब्राउन ब्रेड 40-45 रुपए का है, तो इतने ये आपका चल भी जाएगा 3 से 4 दिन। ब्राउन ब्रेड चल जाएगा और पीनट बटर तो लगभग हो ही जाएगा 20 दिन के लिए आपके लिए आराम से। तो कम पैसे में अच्छी डाइट है, वर्कआउट कर ही रहे हैं, दबा के डाइट पे भी फोकस कर रहे हैं। और ऐसी डाइट की छोटी छोटी वीडियो आपके लिए और लेके आऊँगा। ये उन लोगों के लिए थी जो मेरी तरह विद्यार्थी हैं, कैसे जिम का बजट मैनेज करें, उन लोगों के लिए एक छोटी सी डाइट मैंने बनाई थी। फिलहाल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों बहुत सारी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। दो दो तीन तीन घंटे सिर्फ वीडियो को बनाने में और एडिट करने में जा रहा है। मैं सिर्फ इसलिए ये कर रहा हूँ, ये टाइम निकाल पा रहा हूँ अपने दिनचर्या से, क्योंकि युवाओं के लिए कुछ कर पाऊँ, उनको फिटनेस की तरफ मोटिवेट करूँ। जो मिथ बैठा है कि पाउडर या एस्टोराइड या इस चीज़ से बॉडी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नेचुरल प्रोटीन यूज़ कीजिए, बिल्कुल नेचुरल, दाल रोटी जो भी घर पे खा रहे हो, एक्स्ट्रा में केले वगैरह, ये कोई बाहर से एस्टोराइड वगैरह नहीं है ना इसमें कुछ गो, ये तो आप रोज़ खाते रहते हो, नहीं वर्कआउट करते हो तभी खाते हो। तो गलत चीज़ें अपने दिमाग से निकालें, डेली वर्कआउट करें। जिम नहीं जा पा रहे हैं, घर पे पुशअप मारें, 20-20, 30-30, 40-40 पुशअप मारने की हैबिट डालें, फिर 50-50 के 3 सेट लगाएं। 15 दिन में आप अपने शरीर में चेंज पाएंगे। फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको यही लास्ट करते हैं। फिर सुबह मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।